महर्षि वाल्मीकि ने पहला प्रश्न पूछा, गुणवान कह, गुणवान कौन है? तो यह जब 16 गुण है तो इसमें एक प्रश्न गुणवान कह का मतलब क्या होगा? तो हमारे आचार्य कहते हैं, श्री गोविंद राज जी जो रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की सुंदरतम व्याख्या करी है, वह कहते हैं यहां गुण का अर्थ सील गुण से है। गुण्यते आवर्त्यते आश्रित जनई ही पुनः पुनः अनुसंधियते इति गुणः सौशील्यम्। शील गुण को ही गुणवान होना कहते हैं। हमारे स्वामी श्री यमुनाचार्य जी आलवंदार में जहां भगवान के 12 गुणों की विवेचना करते हैं, वहां पर वशी वदान्यो गुणवान जो सुचिर मृदुर दयालु और मधुर स्थिर समाह, वहां भी गुणवान शब्द आया, वशी वदान्योर गुणवान रिजो। गुणवान का अर्थ होता है शीलवान। सील किसे कहते हैं? कहा महाराज, जो किसी को हृदय लगाने में संकोच न करे वह सीलवान है। हमारे राम जी सबको अपना लेते हैं, यही तो राम जी की सीलता है। जो अपने व्यवहार से किसी को कष्ट न दे उसको सीलवान कहते हैं। और हमारे राम जी तो किसी को कष्ट नहीं देते महाराज। बैरी व राम बड़ाई करही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शत्रु भी हमारे राम जी की प्रशंसा करते हैं। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, मैं आपको सुना रहा हूं। राम जी का युद्ध चल रहा था। एक दिन जब एक सेनापति का वध हुआ तो रावण उस सेनापति से इतना प्रेम करता था कि बीच में ही राम जी से युद्ध करने आ गया। राम जी ने विभीषण से पूछा, मित्र ये कौन है? विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये तो स्वयं भैया लंकेश है, ये तो महाराज रावण रावण है। राम जी ने कहा, भी कुंभकर्ण जैसा योद्धा जीवित है, मेघनाथ जैसा योद्धा जीवित है, ये रावण बीच में युद्ध करने क्यों आ गया? तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु भैया रावण इस सेनापति से बहुत प्रेम करते थे। राम जी ने कहा, जब रावण आया है तो मुझे ही युद्ध करने जाना चाहिए, योद्धा के अनुसार योद्धा लड़ने जाते थे। तो राम जी युद्ध करने के लिए आए, राम और रावण का युद्ध आरंभ हुआ। राम जी के सामने रावण कहां टिके महाराज? राम जी ने रावण के अस्त्र शस्त्र को काट दिया, रावण के छत्र को काट दिया, रावण के सारथी को मार दिया, रावण के रथ को भग्न कर दिया। निहत्था निढाल रावण रणांगन में खड़ा हो गया। रावण को लगा कि राम जी का अगला बाण तो मेरा प्राणांत कर देगा। डर के मारे जोर से आंखें बंद कर ली रावण ने। रावण थर थर कांपने लगा, रावण सोचने लगा अब बाण आएगा और मेरा प्राणांत हो जाएगा। लेकिन कोई बाण नहीं आया तो रावण ने डरते हुए धीरे से आंख खोली। रावण ने देखा मुस्कुराते हुए राम सामने खड़े थे। और राम जी ने कहा, रावण मैं निहत्थे पर वार नहीं करता है, मेरा नियम जाओ स्वस्थ होकर आना, फिर से रथ सारथी लेकर आना, फिर से अस्त्र शस्त्र सजा कर आना, फिर से सेना लेकर आना, यह राम तुमसे फिर युद्ध करेगा, मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, रावण जाओ।